Hello students, welcome back to my channel. Today I have come with the new poem of the book Hornbill for class 11th. The name of the poem is The Laburnum Top. It has been written by Ted Hughes. First of all, I shall give you introduction about the poet. Who was this poet? He was an English poet. He was a translator एंड चिल्ड्रंस राइटर. वो एक इंग्लिश पोइट थे, एक ट्रांसलेटर भी थे और बच्चों के राइटर थे. ही वॉज वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर्स. ही वॉज अपॉइंटेड पोइट ल्यूरेट इन 1984 एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ. ही गॉट मैरिड विद एन अमेरिकन पोइट. हर नेम वॉज सिल्विया प्लैथ. This was all about the brief introduction of the poet. Now come to the introduction of the poem. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी पोम की. इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लैबर्नम ट्री एंड द गोल्ड फिंच. ये जो पोम है इसमें एक रिपेइंग रिलेशनशिप बताया हुआ है एक लैबर्नम ट्री के बीच में और गोल्ड फिंच के बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेल यू व्हाट इज लैबर्नम ट्री. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लैबर्नम ट्री. लैबर्नम ट्री क्या होता है? एक शॉर्ट ट्री होता है विद हैंगिंग ब्रांचेस. हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं इसकी एंड इट इज़ येलो कलर्ड बिकॉज ऑफ येलो कलर्ड फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. और इसकी जो सीड्स होती हैं दे आर वेरी मच पॉइजनस. नाउ कम टू व्हाट इज गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच क्या होता है? अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड with yellow feathers on its wings. ये देखिए, this is the picture of goldfinch. ये एक small singing bird होता है और इसके feathers yellow होते हैं और थोड़े से इस पर black color के spots होते हैं. अब इस poem में इन दोनों के बीच में relationship बताया हुआ है, लैबर्नम ट्री के बीच में और goldfinch जो bird है इन दोनों के बीच में कौन किस तरह का repaying relationship है. The tree is yellow, silent and death-like and is made alive by the bird and her young ones. पहले जो शुरू में बताया गया है इस पोम में वो बताया गया कि ये जो लैबर्नम ट्री है ये येलो कलर का है. इट इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ साइलेंट एंड डेथ लाइक. ब्यूटीफुल लग रहा है लेकिन बिल्कुल साइलेंट है और डेथ लाइक लग रहा है, जैसे कोई डेड ट्री होता है. एंड इज़ मेड अलाइव, फिर ये अलाइव हो जाता है एकदम से बिकॉज ऑफ द बर्ड. कौन सा बर्ड? गोल्ड फिंच बर्ड जब उस पर आता है तो उसकी वजह से वो ट्री फिर से अलाइव हो जाता है. जैसे ही उसके गोल्ड फिंच के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उस ट्री के ऊपर वो बोलना शुरू होते हैं. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री Where she feeds her young ones, but as soon as the bird leaps to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. लेकिन जैसे ही उस लैबर्नम ट्री से वो गोल्ड फिंच वापस चली जाती है अपने छोटे छोटे बच्चों को फीड करके, वो ट्री जो है फिर से साइलेंट और डेथ-लाइक हो जाता है. ये इस पोम में बताया गया है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द पोम इन डिटेल. आई शिल गिव यू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. फर्स्ट कम टू द फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोम. द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट Once he saw a laburnum tree whose leaves were yellow. जिसके leaves जो थे वो yellow में turn हो गए थे. The tree's top is still and silent in the day time of September month. अब इसमें ये बताया गया है कि जो tree की top है वो काफ़ी still, काफ़ी silent है in the day time because it's a September month. और September month में ये बताया गया कि it is an autumn season. Autumn season है and all the seeds of the tree had fallen. और ट्री की सारी जो सीड्स हैं वो नीचे गिर गई हैं. अब ट्री काफ़ी येलो नज़र आ रहा है, काफ़ी साइलेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी अलोन नज़र आ रहा है. द पोइट हैज़ यूज द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट.
येलो सिंबलाइजेज साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. अब येलो यहाँ पे दो जगह पे यूज़ हुआ है, एक येलो सितंबर और लीव्स येलोइंग. अब यहाँ पे येलो क्या सिंबलाइज कर रहा है, साइलेंस को भी सिंबलाइज कर रहा है, डेथ को भी सिंबलाइज कर रहा है और ब्यूटी ऑफ द ट्री को भी सिंबलाइज कर रहा है कि ट्री जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसके बावजूद भी वो कितना डेथ लाइक जो है वो लग रहा है. हेयर द पोइट डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर. ट्री का सारा सीन इन लाइन्स में डिस्क्राइब किया है पोइट ने विद दिस कलर दैट इज येलो. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोम. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद आर ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. She enters the thickness and a machine starts up off chitterings of the tremor of wings and trillings. In these lines, the poet says that then suddenly a goldfinch bird comes to the tree. अब ट्री के ऊपर एक गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो वहाँ पे आता है ट्विचिंग चिरप करता हुआ. दैट मीन्स चिरप साउंड करता हुआ. चिरप साउंड क्या होती है, अ वर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड जो वर्ड्स करते हैं, चूं चाँ जो करते हैं उसको बोला जाता है. तो वो किस तरह से सडनली मूवमेंट करती हुई ट्रिपिंग साउंड करती हुई गोल्ड फिंच जो है अचानक उस ट्री पे लेबर्नम ट्री पे आ जाती है. It makes a lizard-like rapid, alert and precautious movements. वो काफ़ी precaution से movement लेती है, काफ़ी rapidly और alert होके movements करती है वो goldfinch, ताकि कोई और bird जो है उसको ना देख ले और मेरे उसके क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे थे लेबर्नम ट्री पे उसको कोई दूसरा bird जो है वो नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए बड़े ध्यान से एक lizard की तरह वो उस ट्री के अंदर एंटर करती है. हेयर एब्रप्ट मीन्स टेकिंग रैपिड मूवमेंट्स. वो काफ़ी रैपिड मूवमेंट्स करती है और जल्दी से अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास जाना चाहती है. शी एसिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एज शी मूव टूवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस. हर यंगर वंस स्टार्टेड चिरपिंग एंड डूइंग वाइब्रेशंस विद विंग्स. जैसे ही वो ट्री के अंदर जो लीव्स होते हैं वहाँ पे जो थिकनेस होती है ट्री के अंदर वहाँ पे वो एंटर करती है और जैसे ही उस ट्री के अंदर वो एंटर करती है उसके जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं नेस्ट में वो ट्रिपिंग साउंड करना शुरू कर देते हैं, अपने विंग्स को वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. इस तरह से वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो जाती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चटरिंग्स. दैट मीन्स एक ऐसा फील होता है जैसे कोई मशीन की जो है वो साउंड जो है वो स्टार्ट हो गई है. वर्ड्स के जो वाइब्रेशन की जो साउंड होती है उसके जो अपने विंग्स को वो वाइब्रेट करते हैं या वो जो ट्रिपिंग साउंड करते हैं वो सारी जो आवाज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो वो एक मशीन जैसे कोई स्टार्ट होती है उस तरह की आवाज़ को क्रिएट करते हैं. द यंग वंस द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स. दैट मीन्स जैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे जो आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं तो वो ट्री जो है वो भी शेक करना शुरू हो जाता है. इट थ्रिल्स. वो भी ऐसे लगता है जैसे ट्री भी एक्साइटेड हो गया है, खुश हो गया है, इस तरह से फील होता है. दैट मीन्स वो जो डेथ लाइक ट्री था अब वो अलाइव दिखने लगता है बिकॉज ऑफ द साउंड क्रिएटेड बाय दोज वर्ड्स. वो जो वर्ड्स हैं वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी जो उनकी मदर है उन सब की वजह से जो चिरपिंग साउंड जो वहाँ पे क्रिएट हुई है उसकी वजह से जो डेथ लाइक ट्री था लेबर्नम ट्री अब वो अलाइव दिखने लगता है. द पोइट हैज़ गिवन टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री. अब ये देखिए पहले स्टैंजा में जो पहली लाइन्स थी वहाँ पे पोइट ने
क्या बताया हुआ है कि ट्री जो है बड़ा डेथ लाइक दिख रहा है, बड़ा स्टिल दिख रहा है, बड़ा लाइफलेस दिख रहा है। लेकिन अब इन लाइंस में पोइट बता रहा है कि वो किस तरह से लेबर्नम ट्री जो है वो उन वर्ड्स को किस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है उन छोटे छोटे बच्चों को। तो यहाँ पे किस तरह से लेबर्नम ट्री को एकदम से अलाइव बताया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोम। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। हेयर द गोल्ड फिंच हैज़ बिन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पे गोल्ड फिंच को बोला गया है कि वो अपनी फैमिली का इंजन है। जस्ट एज द इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, हर अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड अप द साइलेंट मशीन, दैट इज द नेस्ट, दैट इज दैट यू मे कॉल इट द यंग वंस हैव स्टार्टेड चटरिंग एंड मेकिंग नॉइज। जैसे ही गोल्ड फिंच उस ट्री पे आती है, पहले बच्चे भी बिल्कुल साइलेंट थे, बिल्कुल चुपचाप वहाँ नेस्ट में बैठे हुए थे, और जैसे ही गोल्ड फिंच वहाँ पे ट्री के अंदर एंटर करती है, वो एक इंजन का काम करती है। एक इंजन जैसे ही वहाँ पे आता है, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे जो है किस तरह से शोर करना शुरू हो जाते हैं, चूँ चाँ करना शुरू हो जाते हैं, चिटरिंग साउंड करना शुरू हो जाते हैं, और एकदम से वो जो ट्री है वो अलाइव उठता है। She stokes it full. Stokes it full means she feeds her young ones. वो अपने छोटे छोटे बच्चों को feed करती है. She has added fuel to the machine. और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जैसे उसने machine के अंदर fuel डाल दिया, ठीक है, machine के अंदर जैसे ही उसने fuel डाल दिया तो वो सारे बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, शोर करना शुरू हो जाते हैं। And as a result, the chicks now have the energy to be active and make noise. और वो उनको और ज़्यादा energy provide होती है और वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। Then flirts out to a branch and उसके बाद गोल्ड फिंच क्या करती है, फिर से ब्रांच के किसी ब्रांच के एंड तक जाती है, इधर उधर जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। हर आइडेंटिटी कंसील्ड बिहाइंड द येलो फ्लावर्स एंड येलोइंग लीव्स। वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करती है येलो फ्लावर्स के बीच में या येलो जो लीव्स हैं उसके ऊपर उसके बीच में। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि वो थोड़ी सी जो उसका फेस थोड़ा लीव्स के बीच में से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो वो अपने बच्चों को भी ये बता रही है कि वो किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से वो अपना थोड़ा सा चेहरा जो है वो अपने बच्चों के सामने दिखा रही है और किस तरह से फिर वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। Come to the next lines. Then with the airy delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. Here the poet says that after some time the goldfinch makes a strange short high pitched sound. वो एक हाई पिच्ड साउंड करती हुई गोल्ड फिंच क्या करती है, इट फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट किसको कहा गया है, स्काई को कहा गया है, कि वो किस तरह से गोल्ड फिंच जो है स्ट्रेंज साउंड करती हुई, एक हाई पिच्ड साउंड करती हुई किस तरह से स्काई में गायब हो जाती है। दैट मीन्स आफ्टर फीडिंग हर लिटिल वंस She flies away in the sky and the laburnum subsides to empty. अब यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या बताया हुआ है कि जैसे ही गोल्ड फिंच दूर चली जाती है, स्काई में चली जाती है अपने बच्चों को फीड करके, तो लेबर्नम ट्री जो है इट बिकम्स साइलेंट अगेन। फिर से वो पहले जैसा साइलेंट हो जाता है,
after the departure of the goldfinch, and everything seems to be same as it was before the arrival of the goldfinch. जैसे goldfinch के आने से पहले था वो ट्री जैसा नज़र आ रहा था, फिर से वो ट्री बिल्कुल वैसी पोजीशन में ही आ जाता है, फिर से वो डेथ लाइक जो है वो दिखने लगता है. अब ये जो पोम है द लेबर्नम टॉप, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोम इन विच द पोइट हैज़ यूज द लेबर्नम ट्री एंड गोल्ड फिंच एज द सिंबल्स ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस. इस पोम में पोइट ने क्या बताया है, लेबर्नम ट्री को और गोल्ड फिंच को सिंबलाइज किया है उन्होंने, इसको लाइफ और लाइफ की जो फ्लक्चुएशंस है वो बताया है. इन दिस पोम द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ गोल्ड फिंच चेंजेस द लेबर्नम ट्री. जैसे शुरू में बताया गया है किस तरह से लेबर्नम ट्री पहले किस तरह से सैड नज़र आता है, किस तरह से अलोन नज़र आता है, एक डेथ लाइक लगता है. उसके बाद जैसे ही गोल्ड फिंच उसके ऊपर विजिट करती है तो लेबर्नम ट्री जो है वो किस तरह से अलाइव हो जाता है. द गोल्ड फिंच ट्रांसफॉर्म्स द ट्री एंड मेक्स इट कम अलाइव एज द चिक्स ऑफ द गोल्ड फिंच स्टार्ट टू रसल एंड चिप ऑन सीइंग हर. जैसे ही वो अपनी मदर को बच्चे देखते हैं तो किस तरह से वो चिपिंग साउंड जो है वो करना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो गोल्ड फिंच उस ट्री को छोड़ के चली जाती है तो ट्री जो है फिर से क्वाइट और फिर से स्टिल हो जाता है. द लेबर्नम ट्री सिंबलाइजेस द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ इन जनरल. जनरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लेबर्नम ट्री है वो हमारी लाइफ के पैटर्न को सिंबलाइज कर रहा है. हमारी लाइफ का पैटर्न जो है यूजुअली कैसा होता है, डल होता है, इनएनिमेट होता है. द गोल्ड फिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न. तो जिस तरह से ये गोल्ड फिंच जो है यूजुअल जो पैटर्न है वो उसको ब्रेक कर देती है, जैसे लेबर्नम ट्री का पैटर्न ब्रेक कर देती है कि वो पहले डेथ लाइक लग रहा था फिर से वो लाइवली लगने लगता है. इसी तरह से हम अपनी लाइफ को भी लाइवली बना सकते हैं. विदाउट द गोल्ड फिंच द लेबर्नम ट्री जस्ट लाइक अनदर ट्री. ठीक है, अब गोल्ड फिंच के बिना लेबर्नम ट्री कैसे था, वो जैसे एक आम ट्री होता है वैसे ही था. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ पर्सन टूवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग. तो दैट मीन्स हम अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, वर्थ लिविंग बना सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हैं या हम अपनी लाइफ को किस एंगल से देखते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम. Thank you students, please don't forget to subscribe and share my channel and also write in the comment box.